नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज और ये जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है हादसों की हकीकत, एक बार फिर से आपका इसमें स्वागत है। इसमें हम तमाम तरह की जो खबरें हैं, क्राइम से रिलेटेड जो खबरें हैं, उनके पूरे फैक्ट के साथ में कि किस तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है और इस कहानी के पात्र कौन कौन हैं और इस कहानी में जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है किस तरह से अपराधी तक पहुंचती है, क्योंकि कई बार देखा गया है अपराधी भी बचने के लिए पूरी जोर लगाता है, पूरी कोशिश करता है कि वो किसी ना किसी तरह से बच जाए। क्योंकि जब इस कहानी के शुरुआत होती है, कोई भी अगर कहीं घटना होती है, तो वो देखा गया है कि जो अपराधी है या आरोपी है वो कहीं ना कहीं परिवार से, रिश्तेदारी से या इन लोगों से मैच करता हुआ, इन लोगों से मिलता हुआ वो होता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो यह भी देखता है कि पुलिस कहां तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है या किन चीज़ों को ध्यान में रख रही है, तो उनके इर्द गिर्द जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में उस आरोपी को पकड़ती भी है। कई बार पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है, लेकिन जब घटना हो जाती है या कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस सभी को सक्की निगाह से देखती है और देखना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जो कहानियां मैं आप लोगों को बताता हूं पूरे फैक्ट्स के साथ में, तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस सभी को सक्की निगाह से नहीं देखेगी तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है या जो अपराधी है तो उस तक पहुंचने में समय लग जाता है। तो आज जिस कहानी का जिक्र मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ वो कहानी गुजरात से है और गुजरात में एक बड़े व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, उनकी ये कहानी है। और क्योंकि इस कहानी में ज़्यादा पात्र है नहीं, बहुत कम लोग हैं इस कहानी के इर्द गिर्द, और ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिसमें पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कोई किसी तरह से पुलिस के पास में सुराग जब पुलिस ने लगाया इस कहानी का, जड़ तक पहुंची पुलिस इस कहानी की, तो पुलिस के पास में कोई सुराग नहीं था, लेकिन कातिल को पहचान के किस तरह से पुलिस ने उसे पकड़ा है, ये पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है। क्योंकि पुलिस के सामने एक ऐसी गुत्थी थी जो पुलिस ने सुलझाई है कि सुलझाने में पुलिस को खैर थोड़ा सा समय लगा, ज़्यादा तो खैर नहीं लगा समय, लेकिन कहानी कुछ अटपटी सी है। क्योंकि जब रिश्ते होते हैं, जैसे परिवार है, लोग हैं, तो उन्हीं में कोई ना कोई एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर होता है कि जो कहीं ना कहीं जब उसके दिमाग में किसी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए उसके दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, यानी क्रूरता की जो हदें हैं वो पार करने के लिए उसके दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो घटना करते हुए, जब घटना करता है, वो घटना को अंजाम देता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार को तो रुकने को आता ही होगा कि अगर मैं इस तरह की घटना को अंजाम दूंगा, कल को पता चलेगा, समाज में पता चलेगा, तो उसमें किस तरह की जो इज्जत रहेगी या लोग किस निगाह से देखेंगे। तो ऐसा क्या उसके दिमाग में आता है कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी उन लोगों के सामने ही रहता है और अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से इस घटना के बारे में भी हम आपको आज रूबरू कराएंगे। घटना गुजरात के सूरत शहर की है। सूरत के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि बिजनेस के पर्पज़ से या बिजनेसमैन जो है वो सूरत में काफ़ी बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, तो ये सूरत की ही कहानी है। 28 जून 2016 दिन मंगलवार था। पार्ले पॉइंट एक जगह है सूरत में, जगह का नाम है, तो उसके पास में एक घर है जो दो मंजिला बना हुआ है। उसमें एक व्यापारी, जो कपड़े के व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, उनकी डेड बॉडी पाई जाती है। उस घर में केवल तीन ही लोग थे, एक तो जिनकी डेड बॉडी पाई गई है वो, उनकी पत्नी और उनकी एक 1.5 साल की बच्ची। किस तरह से उनकी हत्या हुई, किसने हत्या की और किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस मामले की तह तक पहुंची, इस कहानी के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। 25 वर्ष थी उनकी आयु, ज़्यादा बड़ी उम्र थी नहीं। दिशित जरीवाला उनका नाम था। 27 जून 2016 को रात में वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से परिवार के साथ लंच करके डिनर करके
पहुंचते हैं अपने घर सूरत में, जहां पार्ले पॉइंट है वहां उसके पास में उनका घर था अपना। वहां पहुंचते हैं और करीब रात को 11-12 बजे के आसपास की यह घटना है, 28 तारीख हो जाती है, उस दिन मंगलवार का था। उनकी डेड बॉडी पाई जाती है, उनकी पत्नी चीख रही थी, पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आके मामले की जांच की, देखा मृत अवस्था में पड़े हुए थे, सामान इधर उधर फैला हुआ था, कुछ घर से सामान गायब था। तो ये पूरी घटना है। इस घटना से विस्तार से बताने के लिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और आपसे रूबरू हो रहा हूँ। करीब रात 11-12 बजे की बात है और उनकी पत्नी जो है उनका नाम वेल्सी है, 1.5 साल की उनकी बेटी है। 28 नवंबर की रात को जब वो अपने घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में कुछ देर बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद में पुलिस को बुलाया जाता है, पड़ोसी आते हैं। तो ये तमाम तरह की जो घटना है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। वापस कहानी पर पहुंचते हैं। 28 नवंबर की रात को अपनी पत्नी वेल्सी, 1.5 साल की बेटी के साथ में जब दिशित जरीवाला अपने घर पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद में कुछ देर बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। जब पुलिस ने उनकी पत्नी से इस हत्या के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब रात को हम लोग डिनर करके किसी रिश्तेदार के यहाँ से हम वापस आए थे अपने घर में, तो मैं ऊपर बेडरूम में पहुँच गई थी और अपने पति को आवाज़ लगा रही थी। तो उनके पति ने कहा कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोई लाइट जली रह गई है, मैं उसको एक बार ऑफ करके तब आता हूँ। तो उसके बाद में वो लगातार उसका इंतज़ार करती रही, वो नहीं आए। कुछ देर के बाद में उन्होंने फिर आवाज़ दी तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं फंस गया हूँ, अभी 1 मिनट में या 2 मिनट में मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो उसके बाद भी जब वो नहीं आए तो वो नीचे आती हैं पति को देखने के लिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। वो देखती हैं कि 3 नकाबपोश, एक ने उनके गले पर चाकू रखा हुआ था, वो ऊपर की तरफ ही उन्होंने लेके आ रहे थे। जब वो देखती हैं तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। फिर वो नकाबपोश उनको और उनकी बेटी को बाथरूम में बंद कर देते हैं और उसके बाद में लूटपाट करते हैं और उनके पति की हत्या, यानी जो 25 साल जिनकी उम्र थी दिशित जरीवाला, उनकी हत्या करके वो फरार हो जाते हैं, ऐसा उनकी पत्नी ने पुलिस को बयान दिया। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है, पड़ोसी हैं उनसे भी पूछती है, जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता है। उनकी पत्नी से भी पूछताछ करनी चाहिए पुलिस ने, क्योंकि उनका रो रो कर वैसे ही बुरा हाल था, बेहोश हो जा रही थी, और मतलब ये मान लीजिए कि जो वो रो रही थी वो बिल्कुल चीख चीख के रोना, बात भी ठीक है क्योंकि 3 ही लोग थे परिवार में, पति की हत्या हो गई, अब उनकी बेटी और वो बची है, दुखों का पहाड़ टूटा है उनके सर पे। 2 साल शादी को हुई, तो ज़्यादा दिन भी शादी को नहीं हुए थे उनकी, तो इस तरह से जो दुखों का पहाड़ था वो टूटा था उनके। पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो बात ठीक है समझाना, लेकिन पति का साया सर पे से उतर जाना एक बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि उसके बाद फिर जीवन में कभी पति के साथ रहने वाली वो महिला कभी बिना पति के रहना है, और वो पति उनके सामने कभी जीवन में लौट के नहीं आने वाला क्योंकि वो चला गया। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। जिस रिश्तेदार के यहाँ ये लोग खाने पे गए थे उनसे भी पूछताछ करती है, वहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, कोई बयान नहीं, किसी तरह का कोई सुराग नहीं पुलिस के पास में। लेकिन जब कोई किसी घटना को अपराधी अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर कर बैठता है जिसकी वजह से पुलिस उसे धर दबोचती है। इस घटना में भी यही हुआ। उनकी पत्नी से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उनके सामने कई चीज़ें उनकी पत्नी ने झूठ बोली, तो पुलिस ने सोचा कि आखिर ये झूठ क्यों बोल रही है, क्या वजह है जो ये झूठ बोल रही है। तो जब पुलिस ने उनसे मामले की जांच की तो पुलिस ने करीब 4-5 बातें, 6 बातें कुछ ऐसी थी जो पुलिस ने नोटिस की, क्योंकि उनके
जो पत्नी के बयान थे उसके आधार पर ही पुलिस ने धीरे से उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। एक तरफ तो पुलिस आकर के उन्हें दिलासा दे रही थी, दूसरी तरफ पुलिस ने उनके खिलाफ भी जो उनके बयान थे उसमें अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। जब तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला, जब पुलिस ने वेल्सी से पूछा कि आपके पति नीचे क्या करने गए थे, तो उन्होंने बताया कि लाइट ऑफ करने गए थे नीचे। जब पुलिस ने घर को बारीकी से देखा तो वहां पर फर्स्ट फ्लोर पे एक उन्हें बटन दिखाई दिया, जिस बटन को दबाने के बाद, ऑफ करने के बाद में नीचे की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं। तो पुलिस ने सोचा कि जब बटन बंद यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से करके पूरे घर के नीचे की लाइट बंद हो सकती है, तो वो नीचे क्यों जाएंगे, क्योंकि घर उनका है, उन्हें पता भी है कि यहाँ से लाइट को बंद करने पर पूरे घर की बत्ती चली जाएगी, नीचे वाले फ्लोर की लाइटें बंद हो जानी है। तो पुलिस ने मामले की जो तह है उसको आगे बढ़ाया। पुलिस को उनकी पत्नी ने बताया था कि जब उनकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ था और उनको और उनकी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया था, तो कुछ देर के बाद में, करीब आधा घंटे के बाद में, 40 मिनट के बाद में बाहर से आवाज़ें आनी बंद हो गई। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि अब वो शायद लूटपाट करके चले गए। फिर उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ा, बाथरूम का दरवाज़ा शीशे का था, शीशे का दरवाज़ा उन्होंने तोड़ा, वो अपनी बेटी के साथ बाहर आई, देखा कि उनके पति लहूलुहान स्थिति में नीचे पड़े हुए हैं और जो चाकू है, जो गर्दन है, गर्दन से काफ़ी खून बह रहा था, तो लिहाजा चाकू से ही उनकी मौत की, जो हत्या है वो की गई होगी। फिर उन्होंने शोर मचाया, चीखी चिल्लाई, उसके बाद में पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने आके पुलिस को बुलाया, एम्बुलेंस को बुलाया, तो देखा कि उनकी हत्या हो चुकी है, ऐसा पुलिस को बताया था उन्होंने। जब पुलिस ने मामले की और जांच की कि जो दरवाजा है, जिस मेन दरवाजे से जो हत्यारे अंदर आए थे, तो उसमें जैसे उसका कुंडा होता है या दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ हैंडल लगा होता है, वो किसी भी तरह से टूटा हुआ नहीं था, कोई उस पर स्क्रैच के निशान नहीं थे, ऐसा भी नहीं था कि जोर जबरदस्ती की हो तोड़ा गया हो उसको, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो हत्यारे थे उनको पता था कि इनके घर में एंट्री कैसे होनी है, यानी घर का ही कोई इंसान उनके साथ में मिला हुआ था। ये तीन लोग थे, एक बच्ची है 1.5 साल की, वो तो हत्यारों के साथ मिलेगी नहीं। अब अपनी ही हत्या करवाने के लिए वो हत्यारे क्यों बुलाएंगे? दूसरी बात, अगर उन्हें हत्या ही करनी है तो जब वो नीचे गए थे, वो नीचे भी हत्या उनकी कर सकते थे, हत्या करके ऊपर आके माल लूट के जा सकते थे, उन्हें ऊपर लाने की क्या जरूरत थी? और उनकी पत्नी के अनुसार उनके साथ में पहले जो हत्यारे थे, हमलावर थे, उन्होंने मारपिटाई भी की थी और उनकी संख्या 3 बताई थी जो नकाबपोश थे, मारपिटाई भी की थी और मारपिटाई करने के बाद में जब उनकी हत्या की गई है, क्योंकि उनके पति चश्मा पहनते थे, यदि मारपिटाई करेंगे या इस तरह की जो हरकत होगी तो कहीं ना कहीं चश्मा भी गिरेगा या चश्मा इधर उधर होगा या कुछ ऐसे स्क्रैचेस या निशान पाए जाएंगे कि जिसकी वजह से लूटने के इरादे से कोई अगर बचने की भी कोशिश करता है तो वो कहीं ना कहीं संघर्ष तो करता ही है ना, तो चश्मा भी ऐसे ही लगा हुआ था। जो मेन दरवाज़ा है, जब उससे एंट्री करते हैं तो वहाँ भी किसी तरह का कोई तोड़ने का, मरोड़ने का या किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमलावर जो है उनको एंट्री वहाँ कराई गई है और एंट्री कराने के बाद में उन्होंने सही मौका देख करके उनकी हत्या कर दी है। और पुलिस ने यहाँ पर एक चीज़ और सोची कि जिस दिन 28 जून 2016 मंगलवार की जिस दिन ये रात थी, उस दिन जो 25 वर्षीय दिशिद जरीवाला है, इनका जो रिश्तेदार है कोई भी सूरत में नहीं था, क्योंकि इनके किसी रिश्तेदारी में वहाँ पर कोई एक फंक्शन था, सब लोग उस फंक्शन में गए हुए थे, लेकिन ये दो लोग, दो परिवार नहीं गए थे, एक तो जरीवाला, इनका परिवार नहीं गया था, एक और जिनके यहाँ ये लोग रात में डिनर करने के लिए गए थे, वो भी नहीं गए थे। तो पुलिस ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि ये ही नहीं गए हैं, बाकी सब लोग गए हैं, तो इस पर भी पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस ने उनकी पत्नी से जबरदस्ती पूछताछ की, यानी कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने इस मामले से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि
उन्होंने ही अपनी पति की हत्या कराई है। जब पुलिस ने हत्या की वजह पूछी तो पुलिस के पैरों की जमीन निकल गई, पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि ये एक प्रेम प्रसंग का मामला था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि रिश्ते जो होते हैं वो कहाँ किसके बारे में क्या सोचने लगे और कहाँ नफरत का वो बीज किसी भी इंसान के अंदर आ जाए और क्रूरता की जो हदें हैं वो पार हो जाए। शादी से पहले जो इनकी पत्नी थी वेल्सी, वो एक सुकेतु नाम के किसी व्यक्ति से प्यार करती थी। अच्छा, जो वेल्सी हैं उनके परिवार को और सुकेतु की परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया और इनकी शादी जिशी जरीवाला से करवा दी। टाइम गुजरता गया, जब भी समय मिलता है दोनों मुलाकात करते, तन्हाई में मुलाकात करते और एक योजना बनाई कि 28 जून की रात को, क्योंकि ये बात वेल्सी बहुत अच्छे से जानती थी कि रिश्तेदारी में एक शादी का या किसी भी चीज़ का फंक्शन है, सब लोग वहाँ जाएंगे और घर पर कोई भी नहीं है, तो ये पहले से ही प्लान था, ये पहले से ही पूरा खाका तैयार किया हुआ था और कितने बजे रिश्तेदार के यहाँ जाना है, वहाँ से कितने बजे घर की तरफ एंट्री करनी है, ये पूरी बात थी। और जब वो अपने घर में एंट्री करते हैं रिश्तेदार के यहाँ से डिनर करने के बाद में, तो वेल्सी अपने पति से बोलती है कि मैं बाहर का मेन दरवाज़ा जो है उसको बंद करके आती हूँ, आप चलिए। तो वो मेन दरवाज़ा बंद करने जाती हैं, लेकिन मेन दरवाजे का लॉक बंद न करके दरवाजे को ऐसे ही हल्का सा लगा के वापस आ जाती हैं, जिसके बाद दो हमलावर जो उनके प्रेमी थे सुकेतु और उनका एक ड्राइवर, वो नकाब पहन के और चाकू और मिर्ची जो भी उनका सामान था वो लेकर के दरवाजे से एंटर होते हैं और वेल्सी के सामने ही उसकी पति की हत्या कर देते हैं। और जब वो उसकी हत्या कर रहे थे, चाकुओं से वार कर रहे थे, उस समय वेल्सी वहां खड़ी होकर पूरा नजारा देख रही थी। हत्या करने के बाद लूटपाट दिखानी थी, सारा सामान इधर उधर डाल दिया और जो उसके पास में जो गहने पहने हुए थे, क्योंकि तभी शादी से डिनर से वो लौटे थे किसी रिश्तेदार के यहाँ से, वो गहने भी चुरा लिए गए, अपने पति को प्रेमी को दे दिए। वेल्सी ने सारे गहने पैसे अपने प्रेमी को दे दिए, जिससे लूटपाट का मामला बनाया जा सके और सारे घर में पूरे घर में जो सामान है वो इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया और उसके बाद में उनको जाने दिया और जो बाथरूम का दरवाज़ा है, शीशे वाला दरवाज़ा है, उसको लॉक करवा दिया था। फिर उन्होंने उनके जाने के बाद उस दरवाजे को तोड़ा, तोड़ने के बाद वो बाहर आई, बाहर आने के बाद में पति को देखा और फिर चिल्लाई, फिर जो लोग हैं वो आए। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि अपने पति को रास्ते से हटाने का एक कारण और भी था, क्योंकि जब वो सुकेतु से प्यार करती थी तो डिवोर्स भी दे सकती थी अपने पति को, या अपने पति को छोड़ के ऐसे भी जा सकती थी, क्योंकि अपने पति की जो जायदाद है, जो जमीन है, जो संपत्ति है, उसका भी लालच था। सुकेतु भी चाहिए था, जायदाद भी चाहिए थी, जिसकी वजह से अपने पति को उन्होंने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और इस प्लान को वेल्सी ने अपने प्रेमी से बताया और पूरा प्लान डिस्कस हुआ, समय के मुताबिक, टाइम के मुताबिक इस घटना को अंजाम दिया गया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, दो साल से अपने पति के साथ रह रही थी, पति को शक भी नहीं होने दिया और नफरत का वो बीज उनके दिमाग में, उनके मन में चलता रहा, पलता रहा और एक दिन उसका पेड़ इतना बड़ा हो गया शादी के दो साल में ही कि अपनी ही जड़ें काट दी गई, अपने पति की हत्या करा दी गई, केवल और केवल प्यार पाने के लिए और संपत्ति पाने के लिए। अब मैं केवल इस पूरी कहानी को पढ़ के, देख के, जान के, सुनकर उस बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ जिसकी उम्र मात्र 1.5 साल थी, क्योंकि माँ ने पति की हत्या करवा दी, अब माँ जेल में है और उस बच्ची के बारे में आखिर उसका क्या कसूर था, जो बच्ची को आज बिना माँ बाप के रहना पड़ रहा है, क्योंकि दादा दादी हैं वो पाल रहे होंगे उसको,
या कोई और रिश्तेदार है जो बच्ची का पालन पोषण कर रहा होगा। माँ बाप की कमी जो है उस बच्ची की शायद उसके माँ बाप ही पूरी कर सकते हैं। उस बच्ची का क्या कसूर रहा होगा? अगर वो चाहती तो अपने प्रेमी के साथ जा भी सकती थी, अपने पति की हत्या कराने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि संपत्ति भी चाहिए थी। तो इस तरह का जो पूरा लालच है वो कब किसके मन में आ जाए, कब किसके मन में इस तरह का जो बीज है नफरत का बीज वो पल जाए और उसको अंजाम देने के लिए लोगों की सोच, लोगों की क्रूरता कहां तक गिर सकती है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जो ये हादसों की हकीकत, ये प्रोग्राम है, इसका केवल और केवल मकसद ही यह है कि आप लोगों को सचेत करना, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग इग्नोर करते हैं, हमें उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि कब वो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाए और बड़ी होने के बाद में किसी घटना को जो घटना है वो घटित हो जाए उन छोटी छोटी चीज़ों को। तो इसलिए जो समय है उस समय को देखना चाहिए, पहचानना चाहिए, भाप लेना चाहिए और उससे बचने की कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो तमाम जो चीज़ें हैं, क्राइम पेट्रोल है या इस तरह के तमाम जो सीरियल है वो आप लोग देखते होंगे, खबरें पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन जो ये प्रोग्राम है इसमें कोई ना कोई एक ऐसी हकीकत, एक ऐसा हादसा जिसके पूरे फैक्ट्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कातिल तक पहुँचने की पूरी कहानी, ये हम आप लोगों तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो तमाम जानकारियाँ हैं, तमाम घटनाएं हैं, वो आप तक समय तक पहुँचे, और जो बेल आइकन का जो बटन है उसे भी आप दबा सकते हैं। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।